दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज पढ़े जाने की इजाजत मांगने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 13 मई को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमिटी की मैनेजमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, तो वहीं कमिटी के वकील की ओर से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट के अवकाशकालीन बेंच ने तुरंत सुनवाई की जरूरत ना मानते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद उस इस्लाम मस्जिद से अलग है जिसको लेकर आजकल साकेत कोर्ट में विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका भी अभी पेंडिंग में है। याचिका में कहा गया है कि इस्लाम मस्जिद हिंदुओं और जैन के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, तो वहीं जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव और भगवान विष्णु को इस मामले में याचिकाकर्ता बनाया गया था। इससे पहले सिविल कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। एडिशनल सेशनल जज निखिल चोपड़ा 9 जून को अपील पर आदेश सुनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।